वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक वेब पेज क्रिएट किया और आप उसमें अपने वेबसाइट की लिंक लगाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पर YouTube पेज की यहाँ पर लिंक देना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, बस इस पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको बिल्कुल यही समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि HTML और बॉडी टैग, हम स्टार्टिंग टैग इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, HTML टैग एक ले लेना है और उसको यहाँ पर कर देना है क्लोज। सबसे पहले HTML लीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आके क्लोज होता है, ठीक। इसके बाद आप दूसरा टैग यहाँ पर कौन सा ले लीजिए, बॉडी टैग ले लीजिए और यहाँ पर बॉडी को क्लोज कर दीजिए। तो पहले HTML ऊपर क्लोज होगा और उसके जस्ट हमारा यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा और बॉडी के नीचे HTML क्लोज हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें ले ली आप, अब यहाँ से HTML और बॉडी का काम ख़त्म। अब आपको क्या करना है, अब बॉडी के अंदर यहाँ पर काम करना है। तो अब बॉडी के अंदर हमने आपको बताया है कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर नई चीज़ें ऐड करते हैं वो सभी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पर देखिए, बॉडी के अंदर हमने एक टैग लिया हुआ है H2 के नाम से। H2 हमने H1 हेडिंग तो पिछले वीडियो में देखा था और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपको क्लोजिंग ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं H2 के बारे में। तो अब H2 हमारी ये दूसरी नंबर की हेडिंग होती है और इसको हमें क्लोज भी करना होता है, तो हम दूसरे को क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने H2 लिया, तो यहाँ पर केवल डिस्प्ले करेगा आपके उसमें वेब पेज में यहाँ पर लिंक लिखा रहेगा, तो बस ये नॉर्मल डिस्प्ले हो जाएगा, हेडिंग बनी रहेगी। इसके बाद एक हमने पैराग्राफ भी लिया, दिस इज लिंक ऑफ माई फेसबुक, तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ भी दे दिया, ये भी एक हमें यहाँ पर दिखेगा, H2 दिखेगी और ये हमें दिखेगा पैराग्राफ। अब मेन काम, अब ये तो हमारा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन अब मेन काम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लिंक के लिए। लिंक के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं, ए टैग। ए टैग का पूरा नाम क्या होता है, एंकर टैग। और ए हमारा, अगर मान लीजिए आपको हमने क्या बताया कि अगर आप H1 स्टार्ट करें तो H1 स्टार्ट कीजिए, और फिर ये हमारा H1 स्टार्टिंग टैग हुआ, और फिर ये H1 ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर क्लोज भी होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम मान लीजिए हमने ए टैग लिया, तो ए टैग को हम फिर यहाँ पर क्लोज भी करेंगे और जितनी भी चीज़ें लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में। तो अब यहाँ पर देखिए, ए टैग हमने लगाया, यहाँ पर देख लीजिए ए टैग हमने लिया, और ए टैग के बाद आपको क्या लिखना है, HREF, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो HREF क्या करता है, ये हमें लिंक, ये हमें स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पर हमारी लिंक है, तो पर्टिकुलर URL के यहाँ पर ये स्पेसिफाई करते हैं HREF। तो इसी तरह से आपको लिखना है ए यहाँ पर HREF, फिर आपको यहाँ पर अपना URL देना, आप यहाँ पर सेमी कॉलन, कॉलन हमने कहाँ पर यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज है, ये सभी चीज़ें आपको, ये सभी ध्यान में रखना है, तभी आपका एक प्रोग्राम अच्छा वर्क करेगा और आप अच्छे वेब डेवलपर बन पाएंगे। तो यहाँ पर मास्टरमाइंड नारायण, यहाँ पर ये हमारे URL का लिंक है, आप यहाँ पर आपके URL का जो भी लिंक हो तो आप वहाँ पर वो दीजिए। यहाँ पर जैसे कि www.wikipedia.com, google.com, facebook.com, आप यहाँ पर ऐसे लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल ये हमने यहाँ पर लिंक के, जैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने दे दिया है, अब ये पेज हमारा जो बनेगा वो लिंक में क्लिक होगा, मैंने ये दिखाने के लिए किया। फिलहाल ये पेज हमारा तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर पेज नॉट फाउंड करके आ जाएगा आउटपुट में। अगर आप यहाँ पर google.com लिखेंगे तो सीधे आपको वो गूगल के पेज में ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। फिर यहाँ पर HREF लिखने के बाद ए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आ करके हमारा ए जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर आ करके ये एक हमारा ये पहला ए वाला टैग है, और ये क्लोजिंग टैग नहीं, ये भी स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग तो हमारा ये वाला होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर बीच में आप जो लिखना चाहते हैं, क्लिक हेयर या क्लिक मी, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लॉगिन बटन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लिक मी, और यहाँ पर देखिए ए टैग अब यहाँ पर क्लोज हुआ। तो HREF हमें कहाँ लिखना है, ये ए लिखना है, और यहाँ पर HREF लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लिंक दे देनी है इसके बीच में, फिर ये क्लोज फिर करना है। तो बस इसी तरह से हुआ है, ये हमने ए दिया, HREF लिखा, यहाँ पर लिंक दी, फिर ये क्लोज हुआ, क्लिक मी लिखा, और यहाँ पर ए टैग हमने क्लोज किया। फिर बॉडी तो हमने पहले ही क्लोज कर दिया, HTML भी क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट देखिए क्या दिखेगा, आउटपुट में हमें दिखना चाहिए एक हेडिंग दिखनी चाहिए, एक पैराग्राफ दिखना चाहिए, फिर यहाँ पर क्लिक मी दिखना चाहिए बस, क्योंकि तो हमारी लिंक है, जैसे क्लिक मी पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ले जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको क्या बताया कि एक हमें यहाँ पर दिखेगा हेडिंग दिखेगी, तो हेडिंग लिंक्स दिख रही है, फिर दूसरा दिखेगा दिस इज लिंक ऑफ माई फेसबुक, तो ये दूसरा भी दिख रहा है,
इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमने क्या बताया कि आपको दिखेगा क्लिक मी। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक मी के ऊपर, तो ये हमें कहाँ पर ले जाएगा, ये हमें ले जाएगा मास्टरमाइंड नारायण, जो कि यहाँ पर हमने लिंक दी हुई। आप अगर google.com देंगे तो यहाँ पर क्लिक मी कुछ भी लिखिए, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे यहाँ पर ले जाएगा, तो आपको उस पेज पर पहुँचा देगा। चलिए मैं उसका आउटपुट भी आपको यहाँ पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ जो क्लिक मी आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें उस पेज पर ले जाएगा जिसकी लिंक हमने वहाँ पर दी हुई है। वहाँ पर हमने लिखा हुआ मास्टर माइंड नारायण। तो देखिए, मास्टर माइंड नारायण हमारा कोई URL नहीं है, बस वो आपको समझाने के लिए मैंने दे दिया कि वो क्लिक बटन बन जाती है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें उस पेज पर ले जाएगा। तो फिलहाल अगर आप वहाँ पर google.com, wikipedia.com आप अगर कोई अपनी पर्टिकुलर लिंक देते हैं तो वहाँ पर वो आपको उस पेज पर ले जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही देखिए, मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, नॉट फाउंड लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, द रिक्वेस्ट URL HTML मास्टरमाइंड नारायण वॉज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा, क्योंकि ये हमारा सर्वर पर मास्टरमाइंड नारायण के नाम से जो हमने यहाँ पर दिया हुआ लिंक वो सर्वर पर स्टोर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्क नहीं किया गया। अगर आप वहाँ पर अपने पेज का लिंक देंगे तो वो वहाँ पर वर्क करेगा। तो इस तरह से कुछ आप लिंक लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारी मेहनत के लिए इसको शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।